హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిచెన్ బై ఆరు. ఫ్రెండ్స్, చావల్ కి ఫిర్నీ బనానే కే లియే హమ్ లెంగే 1 కప్ చావల్ కా ఆటా, 1/2 కప్ చీనీ, 3 కప్ మిల్క్, ఔర్ గార్నిషింగ్ కే లియే హమ్ లెంగే గులాబ్ కే పత్తే ఔర్ బారీక్ కట్ కియే హువే బాదాం. ఫ్రెండ్స్, సబ్సే పహలే హమ్ చావల్ కా ఆటా లెంగే. ఇస్మే 3 కప్ ఠండా దూధ్ మిలా దేంగే. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, चावल के आटे को हमें ठंडे दूध में मिक्स करना है. अगर हम इसे गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो इसमें गांठें बन जाती हैं, इसलिए हमेशा इसे पहले ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए. ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. अब हम चावल की फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हम गैस ऑन करेंगे. और इसे हल्का गर्म करेंगे. इसे बिना रुके हिलाते रहेंगे और इसमें शुगर ऐड कर देंगे. गैस को हम स्लो रखेंगे. फ्रेंड्स, इसे 3-4 मिनट्स तक नॉन स्टॉप हिलाते रहेंगे. जैसे ही ये गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, हम गैस को बंद कर देंगे. ये देखिए, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है. बस आप इसे हिलाते रहिएगा. हमारी चावल की फिरनी बिल्कुल तैयार है. अब हम इसे गार्निश करेंगे. फ्रेंड्स, इसे गार्निश करने के लिए हमने एक स्वीट सी छोटी सी मिट्टी की बर्नी ली है. हम इसमें चावल की फिरनी डाल देंगे. बारीक कट किए हुए बादाम हम इस पर डाल देंगे. गुलाब के पत्ते से हम इसे गार्निश करेंगे. फ्रेंड्स, हमारी चावल की फिरनी बिल्कुल तैयार है. आपने खुद ही देखा है कि ये बनाने में कितनी इजी है. आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा. ओके, थैंक यू.